सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर समिट जो है एक अच्छी कोशिश है, एक अच्छी पहल है, क्योंकि इसके ज़रिए सोशल मीडिया में जितने लोग जहाँ कहीं भी हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं उन सबको इकट्ठा करने की कोशिश की गई है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल ने एक बेहतरीन काम किया है, क्योंकि सब लोग सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, अपने अपने इलाकों में काम कर रहे हैं, कोई नेशनल सतह पर, कोई लोकल सतह पर, कुछ का एजेंडा अलग है, कुछ का मौजू अलग है, लेकिन सब लोग काम कर रहे हैं। एक दूसरे से रابطہ नहीं था, एक दूसरे से कोई जान पहचान नहीं थी, मुलाकात नहीं थी, भी नहीं पता था। कई मरतबा चैनल का किसी को पता था तो ये नहीं मालूम था कि उसका एडिटर कौन है, उसका जिम्मेदार कौन है। तो इस तरह से सब लोगों को इकट्ठा किया गया, सब लोग एक साथ हैं, आपस में एक दूसरे का तारुफ हुआ है, और उम्मीद है कि इसके बाद आपस में एक दूसरे की लोग मदद करेंगे, रابطہ बढ़ेगा, और इसके ज़रिए से सोशल मीडिया पर मुसलमानों की मुश्तरका तौर पर एक मजबूत आवाज़ भी बनेगी। क्योंकि अभी तक जो लोग सोशल मीडिया पर काम करते हैं वो इनफरादी तौर पर काम करते हैं, सामने वाले से वाकिफ़ नहीं है, लेकिन अब जब पूरे मुल्क के सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर है, जो असर और रसूख रखते हैं, जब इकट्ठे हुए हैं, तो उम्मीद है कि आइंदा दिनों में कोई ऐसा मौजू है, कोई टॉपिक है जिसको पूरे मुल्क में सोशल मीडिया के ज़रिए हाईलाइट करने की ज़रूरत है, हंगामा बर्पा करने की ज़रूरत है, दोस्तों तक मैसेज पहुंचाने की ज़रूरत है। तो सब मिल करके, मुश्तरक होकर के जब इस काम को अंजाम देंगे तो एक इनकलाब बर्पा होगा, और उसकी शुरुआत इस समिट के ज़रिए की गई है, जिसके लिए इस समिट के जो ऑर्गेनाइज़र हैं, ज़िम्मेदार हैं, जिन लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया, वो सब के सब मुबारकबाद के हकदार हैं। इत्तेहाद न्यूज़ बेलगाम से अच्छा काम कर रहा है, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। बेलगाम जो कर्नाटक का एक छोटा सा शहर है, एक छोटा सा इलाका है, जहाँ कोई बड़ा मीडिया हाउस नहीं पहुँच पाता है, वहाँ मुसलमानों के साथ, दलितों या कमज़ोरों के साथ जो कुछ होता है उसको इत्तेहाद न्यूज़ बेनकाब करता है, प्रशासन तक आवाज़ को पहुँचाता है, पुलिस इंतज़ामिया तक चीज़ें पहुँचती है, और एक तरीके से मजलूमों कमज़ोरों की मदद होती है। इत्तेहाद न्यूज़ का एक बड़ा काम है, और उम्मीद करते हैं कि इत्तेहाद न्यूज़ आइंदा दिनों में इससे भी बड़ा काम करेगा। जो व्यूवर्स है, जो नाज़रीन है, उन्हें भी इत्तेहाद न्यूज़ को सपोर्ट करना चाहिए, इसकी मदद करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। ये आज हमारा SMIS का एक जो है ना एकदम बेहतरीन पहला इवेंट हुआ है। काफ़ी सारी चैलेंजेस और मुश्किल के बावजूद हमने इवेंट को सक्सेसफुली कामयाब किया। इसमें एज ए डेलीगेट हमारे बेलगाम से इत्तेहाद न्यूज़ की तरफ से भी जो है हमारे इकबाल जगाती साहब, जो कि काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी सीनियर एक्टिविस्ट हैं और फॉर्म का हमदर्दाना जज्बा रखते हुए काम कर रहे हैं, वो भी तशरीफ़ लाए थे। मैं ये जो वीडियो देख रहे हैं बेलगाम से और दुनिया के हर कोने कोने से, मैं सभी को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इत्तेहाद न्यूज़ जो कि ग्राउंड लेवल पे जाकर के जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, खास करके जो मुस्लिम कम्युनिटी जो मार्जिनलाइज्ड की जा रही है, जिसकी स्टोरी को कोई नहीं बताना चाह रहा, उसकी स्टोरीज़ को लेकर आकर लोगों को मेन स्ट्रीम में ला रहा है। तो मैं चाहता हूँ आप सबसे, मेरी अपील है कि आप जो है इंडिपेंडेंट वॉइस को जो ग्राउंड पर जा करके इस तरह से जो है लोगों के सामने बेहतरीन जो है बिना एजेंडे के, बिना प्रोपेगेंडे के स्टोरी को लेकर आ रहे हैं, उनको सपोर्ट करना हम सबका फरीजा है। हम सबका एक इंडिया हिंदुस्तानी होने के नाते भी सपोर्ट करना ज़रूरी है, एक हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते भी सपोर्ट करना ज़रूरी है, ताकि इस मुल्क की प्लुरालिटी अक्सरियत को बरकरार रखा जा सके और एक रंग में रखने की जो कोशिश की जा रही है उसको रोका जा सके। उसके लिए इत्तेहाद न्यूज़ के जैसे चैनल्स जो बिना प्रोपेगेंडे के, बिना एजेंडे के काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जिस अंदाज में हो सकता है उसे मदद करें।